हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली टिल्टेड एक्सिस के अबाउट पता करेंगे। यहाँ पर मैंने एम मास और आर रेडियस की रिंग को दिखाया है। रिंग एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है। इसके सेंटर से ए बी एक्सिस पास हो रही है। ए बी एक्सिस वाई एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है। जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल 90 माइनस थीटा है। और चूंकि ये एक्सिस वाई जेड प्लेन में ली है, एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रही होगी 90 डिग्री। तो अगर मैं ए बी एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को एन कैप से रिप्रेजेंट करूं, तो डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में अपन एन कैप को ये लिख सकते हैं कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ ए बी एक्सिस के द्वारा बनाया गया एंगल है। तो अल्फा की वैल्यू तो क्लियरली 90 डिग्री होगी क्योंकि ए बी एक्सिस मैंने वाई जेड प्लेन में लिया है। बीटा की वैल्यू अपने को थीटा दी हुई है और गामा की वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा। तो अपने पास एन कैप की वैल्यू ये आ जाएगी, एन कैप इज इक्वल टू कोस थीटा जे कैप। कोस 90 तो 0 हो जाएगा, तो आई कैप वाली टर्म तो नहीं रहेगी। ये आएगा कोस थीटा जे कैप प्लस कोस 90 माइनस थीटा के कैप। कोस 90 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, तो साइन थीटा के कैप। ये तो एन कैप की वैल्यू आ गई। अब मैं एक्स वाई प्लेन में रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। इस एलिमेंट का मास मैं ले लेता हूँ डीएम। ये एलिमेंट मैंने चूज किया है। एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स, चूंकि अपन एलिमेंट को एक पॉइंट साइज का एलिमेंट ले रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जीरो है। जेड कोऑर्डिनेट इसके लिए जीरो होगा। और इसका जो पोजिशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, उसको मैं आर वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। पोजिशन वेक्टर ये हो जाएगा, आर वेक्टर इज एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट पता करते हैं। इसके लिए मैं डीएम मास से ए बी एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। परपेंडिकुलर की लेंथ को मैं आर परपेंडिकुलर बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आर वेक्टर का ए बी एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा, उसको अपन ये लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन कैप। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डॉट एन कैप का स्क्वायर। अब डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है ए बी एक्सिस के अबाउट, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डीएम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले आर परपेंडिकुलर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू ये आएगी, आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डॉट एन कैप का स्क्वायर। मैं अगर आर वेक्टर, ये अपने पास आर वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं एन कैप के साथ लूँ, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप ये अपने पास आएगा वाई कोस थीटा। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप की जगह अपन वाई कोस थीटा रख देते हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और इसको अपन ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट ये आ जाएगा
आई ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा तो कॉन्स्टेंट है, तो अपन साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अपने पास ये दो इंटीग्रेशंस आ गए, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर और एक इंटीग्रेशन ये है इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर। अब अपन ये देखते हैं ये दोनों इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों टर्म्स के बारे में पता करने के लिए मैं फिर से डायग्राम शेयर करता हूँ। ये रिंग है, रिंग का एलिमेंट अपन ने चूज किया है डीएम मास का, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई कोमा जीरो। इस डीएम मास के एलिमेंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ये लिख सकता हूँ, आई वाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डी एम मास की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन ये लिख सकते हैं, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर। तो ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, आई ए बी इज इक्वल टू आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन अपने पास आएगा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायमेट्रिकल एक्सिस हैं। डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो रिंग के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, आई ए बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। आई वाई वाई की वैल्यू भी वही होगी जो आई एक्स एक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों ही डायमेट्रिकल एक्सिस हैं। तो ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन ये होगा, आई ए बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो रिंग के लिए ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर अपन डिस्क लें तो उस केस में भी सेम तरीके से अपने को एक्सप्रेशन डिराइव करना है, आई ए बी का एक्सप्रेशन सेम अपने पास आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्क लेता हूँ तो डिस्क के लिए आई वाई वाई और आई एक्स एक्स दोनों की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई फोर के बराबर होगी। तो अगर मैं डिस्क के लिए ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ तो वो ये हो जाएगा, आई ए बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई फोर इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डिस्क के लिए टिल्टेड एक्सिस ए बी का मोमेंट, सॉरी टिल्टेड एक्सिस ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन ये रहेगा, एम आर स्क्वायर बाई फोर इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा।